जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम फिर से हिंदी का टेस्ट लेकर के आए हैं और हिंदी के टेस्ट में महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और जो भी साथी जेल प्रहरी की टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं, जेल प्रहरी की तैयारी करना चाहते हैं, 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 नंबर की जो भी टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज है, तो आपको दोस्तों परीक्षा ऐप इंस्टॉल करना होगा। परीक्षा ऐप में एक ऑप्शन है जेल प्रहरी टेस्ट सीरीज, तो वो टेस्ट सीरीज आप खरीद सकते हैं। दोस्तों जैसे कोई टेस्ट सीरीज 100 रुपये की आती है तो आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा अगर सेल्फ SC40 कोड यूज करते हैं आप, तो है ना, यानी कि ये 40% डिस्काउंट के बाद ये 60 रुपये में आपको मिलेगी, ठीक है। दूसरा दोस्तों, आपको जेल प्रहरी का पूरा कंप्लीट लाइव वीडियो कोर्स उपलब्ध है परीक्षा ऐप पर, यानी कि जेल प्रहरी का टॉपिक वाइज आपको लाइव वीडियो कोर्स मिलेगा। और ये कोर्स कितने में मिलेगा? 4000 रुपये में मिलेगा, ठीक है। 4000 रुपये में कंप्लीट कोर्स, यानी कि कंप्लीट तैयारी आपकी होगी। लेकिन 4000 में भी आपको दोस्तों अगर सेल्फ SC40 इस कोड को यूज कर लेते हो आप, तो आपको 40% डिस्काउंट मिल जाता है, यानी कि यही जो कोर्स है फिर आपको 2400 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी जेल प्रहरी का लाइव वीडियो कोर्स खरीदना चाहते हैं वो परीक्षा ऐप से खरीद सकते हैं और सेल्फ SC40 ये कोड यूज करके फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहला आपका प्रश्न है, अड़ियल शब्द में प्रत्यय है तो कौन सा प्रत्यय है? अड़ियल शब्द में चार विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं, यल है, ला है, ईयल है या फिर ईयल है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? अड़ियल शब्द में प्रत्यय बताना है हमें। और आपके चार विकल्प हैं, चार में से चयन करने करके सभी लोग बताना है। और जब तक मैंने आपको प्रत्यय की परिभाषा बता दूं कि जो प्रत्यय है वो शब्द के अंत में लगकर परिवर्तन जो है करते हैं और जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। तो प्रत्यय और उपसर्ग आपके हर एग्जाम में पूछे रहे हैं, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अड़ियल शब्द में प्रत्यय बताना है तो आपका राइट आंसर होगा कौन सा? ईयल। ईयल यानी कि जो डी नंबर है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अड़ियल में ईयल प्रत्यय होगा, ठीक है। तो डी नंबर जिन्होंने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। कुछ है जो बराबर मुझे यहां खींच रहा है, वाक्य बताना है। चार विकल्प में आपने पढ़ा होगा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, है ना, आपने पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा होगा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और कुछ है जो बराबर मुझे यहाँ खींच रहा है, ये वाक्य कैसा है? स्थान बोधक वाक्य है, विनम्रता सूचक संरचना, विधि सूचक संरचना या फिर कारण कारबोधक संरचना, ये प्रश्न क्रमांक दो में हमें बताना है। वाक्य हमेशा पूछे जाते हैं, तो यहां पर बताएंगे आप कौन सा वाक्य हो जाएगा। कठिन प्रश्न है इसलिए आराम से बताना। और आपका यहां पर बिल्कुल सही है, कुछ है यानी कि क्या हो जाएगा? स्थान बोधक संरचना। स्थान बोधक बराबर मुझे यहां खींच रहा है, यहां खींच रहा है मतलब कोई स्थान पर खींच रहा है, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। कुछ है जो बराबर मुझे यहां खींच रहा है, यहां, तो यहां जो है स्थान सूचक होगा और एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यस रत्थी जी, निशा जी, ठीक है। अनुसरण में संधि है तो कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि, व्यंजन स्वर संधि या फिर विसर्ग स्वर संधि, ये चार विकल्प हैं दोस्तों। उत्तर आपका क्या हो जाएगा सही? अनुसरण में संधि बतानी है और संधि में आपका प्रश्न क्रमांक तीन में बिल्कुल सही आंसर होगा व्यंजन संधि, है ना, व्यंजन संधि, यानी कि जो आपका तीन नंबर है वो तीन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुसरण में जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी? व्यंजन, यानी कि जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है, सी नंबर। अगला बताना है क्रस का विलोम शब्द क्या होगा? क्रस, क्रस बताना है, इसका विलोम क्या है? समीचीन, पीन, विशालता या फिर पतला। समीचीन का, क्रस का विलोम बताना है। क्रस कितना कठिन प्रश्न
आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, विलोम पूछे जाते हैं। अब क्रस का आपको पता है क्या होगा, क्या होगा? आप बोलते हैं क्रस काय, तो क्रस का जो आपका विलोम होगा वो होगा पीन। पीन यानी कि जो विकल्प नंबर आपका टू है वो बिल्कुल सही होगा, क्रस का विलोम पीन। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी वालों है ना, सरल मत समझना हिंदी को। और अगला क्वेश्चन है, उठा रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? उठा रखना, उठा रखना यानी कि छोड़ रखना, कसर रखना, बाकी रखना या फिर उक्त सभी। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? उठा रखना, हम बोलते ना उठा रखना, तो इसका अर्थ क्या होगा? छोड़ के रखना, कसर रखना, बाकी रखना या फिर उक्त सभी, यानी कि डी नंबर। और उठा रखना मुहावरे का अर्थ होता है छोड़ रखना, कसर रखना और बाकी रखना, है ना। चारों ही ऑप्शन आपको ऐसे लग रहे हैं कि जैसे एक से हो। छोड़ रखना, कसर, थोड़ा कसर रखना, थोड़ा बाकी रखना, यानी कि ये उठा रखना मुहावरे का अर्थ होगा विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी यानी कि आपका जो है उठा रखने का मुहावरा होगा, अर्थ होगा डी नंबर। ठीक है, अगला आपको बताना है दोस्तों, स्टेटिस्टिशियन का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या हो जाता है? सांख्यिकी विद, अंकक, अंकशास्त्री या फिर अंकेक्षण, क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 6 में पूरे पारिभाषिक शब्द हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों, जो पारिभाषिक शब्द आपको पढ़ने होंगे। अगर पारिभाषिक शब्द में भी आपकी गाड़ी अटक सकती है, और ये कहलाते हैं क्या? सांख्यिकीय विद। सांख्यिकीय विद यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सही है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस स्टैटिस्टिशियन है ना, तो आपका जो एक नंबर है सांख्यिकी विद, इसका क्या हो जाएगा? पारिभाषिक शब्द हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अंकशास्त्री नहीं, सांख्यिकी विद है ना, ए नंबर। नेक्स्ट है, दूध वाले से कहो कि वह 20 लीटर दूध तुरंत ले आए। ये वाक्य बताना है दोस्तों, दूध वाले से कहो कि वह 20 लीटर दूध तुरंत ले आए। ये वाक्य कैसा है? आज्ञा सूचक, इच्छा सूचक, विधानवाचक या फिर संकेतार्थक, कौन सा वाक्य है? दूध वाले से कहो कि वह 20 लीटर दूध तुरंत ले आए, तो आप क्या कर रहे हो? आज्ञा कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आज्ञा। तो ये कैसा होगा? आज्ञावाचक होगा। दूध वाले से कहो कि वह 20 लीटर दूध तुरंत ले आए, और आपका आज्ञा सूचक वाक्य यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, आज्ञा सूचक। केरा के से पात बहराने सिर शेष के, पंक्ति में क्या है? केरा के से पात बहराने सिर शेष के, अन्योक्ति, सहोक्ति, शिलेष या फिर अतिशयोक्ति। केरा के से पात बहराने सिर शेष के, ये पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, यहां पर है अतिशयोक्ति। केरा के से पात बहराने शेष के, है ना, यहां पर क्या है? अतिशयोक्ति, यानी कि जो चार नंबर है रीनू शर्मा जी, चार नंबर अतिशयोक्ति अलंकार बिल्कुल सही हो जाएगा। चार नंबर, जहां पर बड़ा चढ़ाकर किसी बात का वर्णन किया जाए वहां आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। और नांग शब्द का अर्थ क्या है? नांग, नांग का बताना है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हाथी, पर्वत, सेव या फिर बादल, नांग शब्द का नहीं है, सॉरी नहीं है बताना है, तो कौन सा नहीं है? नांग का, नांग शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है? तो चार विकल्प हैं, 2 सेकंड भी आपको दिए जाते हैं, और नांग शब्द का अर्थ आपसे पूछा जाता है, और आप बता देते हो सर कि हाथी को भी नांग कहते हैं, पर्वत को भी नांग कहते हैं, बादल को भी नांग कहते हैं, लेकिन सेव
यानी कि जो सी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही होगा। ए जो है नाग का अर्थ नहीं है, है ना, तो याद रख लेना। हाथी भी कैसा होता है, काला काला होता है नाग के समान, है ना। पर्वत को भी नाग कहा जाता है और बादल को भी नाग कहा जाता है, है ना। तो आप याद रख लेना सो यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, सी नंबर, ठीक है। अगला है खेत का, खेत शब्द है दोस्तों, खेत कैसा शब्द है, संकर, तत्सम, तद्भव या फिर देशज, खेत शब्द बताना है। हिंदी के आप सरल हिंदी को मत समझना, हिंदी बहुत कठिन है दोस्तों, और आज की वीडियो में बता देना लास्ट में कि सर कितने गलत हुए हैं 20 में से। खेत शब्द कैसा है और खेत जो शब्द है दोस्तों वो कैसा होता है, तद्भव, है ना, तद्भव। खेत का जो तत्सम होता है वो होता है क्षेत्र, है ना, और खेत का, खेत जो है ये तद्भव है, यानी कि संस्कृत के क्षेत्र से उपलब्ध जो है उद्भव इसका हुआ है, तो ये तद्भव होता है, यानी कि आपका जो सी नंबर है, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। खेत का तद्भव होगा खेत, ठीक है, क्षेत्र इसका तत्सम होगा। नेक्स्ट है सारंग शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, सारंग, चातक, सह, कोयल या फिर उक्त सभी, ये चार विकल्प हैं। सारंग शब्द का पर्यायवाची हमें बताना है। और दोस्तों जो भी साथी चैनल के ज्वाइंट मेंबर बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। आपको तीन प्लान हैं, सबसे पहला सिल्वर प्लान है, दूसरा आपको गोल्डन प्लान है, ठीक है, तीसरा आपको डायमंड प्लान है, ठीक है, डायमंड प्लान। तो आपको आप ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। सिल्वर प्लान 59 रुपये राशि पे करके, और गोल्डन प्लान 159, और जो डायमंड प्लान है 299 रुपये पे करके आप चैनल के ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। और सारंग शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो चातक भी होता है, सिंह भी होता है, कोयल भी होता है, यानी कि उपर्युक्त डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। छतरपुर जिले में बोली जाने वाली बोली कौन सी है दोस्तों, छतरपुर की बात आई है तो छतरपुर में आपको पता है कि खजुराहो है, खजुराहो जो कि पर्यटन स्थल है खजुराहो, और खजुराहो कहाँ पर है, छतरपुर जिले में है मध्य प्रदेश के। और बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है, निमाणी, बुंदेली, बघेली या फिर मालवी, कौन सी बोली बोली जाती है छतरपुर में, तो नंदिनी जाटव जी उत्तर हो जाएगा बुंदेली। और सर्वाधिक जो बोली बोली जाती है मध्य प्रदेश में वो बुंदेली ही बोली जाती है, और बुंदेली दोस्तों आपको पता होगा कि ये पश्चिमी हिंदी की भाषा है, उपभाषा है, है ना। तो ये बोली जो है बुंदेली पश्चिमी हिंदी की है, और ये छतरपुर में बोली जाती है, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बुंदेली ही बोली जाती है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। यथासंभव पद में कौन सा समास है दोस्तों बताना है, यथासंभव पद में कौन सा समास होता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर शब्द के पहले कोई अव्यय जुड़ जाए, कोई उपसर्ग जुड़ जाए, है ना, या फिर ऐसे शब्द आए जैसे दिनों दिन, है ना, दिनों दिन, प्रतिदिन, ऐसे अगर शब्द आते हैं तो आपका अव्ययी भाव समास होता है। और यथा संभव आपसे पूछा गया तो यथा यहाँ पर जुड़ गया, और यथा का किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास, यानी कि जो एक नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर संख्यावाची द्विगु होता है ना, विशेषण विशेष कर्मधाराय होता है, द्वंद्व समास में आप द्वंद्व समास में योजक चिन्ह एक दूसरे के विलोम होते हैं शब्द, और वाचक चिन्ह आ जाता है बीच में, ये द्वंद्व समाज की भी पहचान होती है, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र की कृति कौन सी है दोस्तों, ये भवानी प्रसाद मिश्र की कृति बतानी है। और सुबह 9:30 बजे दोस्तों जो रचनाएं हैं, सुबह 9:30 बजे मैं एक वीडियो डालता हूँ हिंदी की रचनाएँ, है ना, तो वो रचनाओं वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। और आपसे यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र की पूछी है तो सूरज का ब्याह, अपलक, गीत फरोश या फिर मगध, मैंने आपको कई बार याद करवाया है दोस्तों, क्या करवाया है कि जो है हमें भवानी के गीत गाना है, हमें किसके गीत गाना है, भवानी के, तो गीत फरोश रचना किसकी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, हमें भवानी के गीत गाना है तो गीत फरोश रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की, यानी कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सी नंबर, भवानी प्रसाद मिश्र की कृति का नाम है
गीत फरोश, ठीक है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका का नाम बताना है। दस्तक है, साहित्य त्रिवेणी है, नवलेखन है या फिर तुलसी मानस है? कौन सी ऐसी पत्रिका है जो मध्य प्रदेश से प्रकाशित तो होती है, उस पत्रिका का नाम हमें बताना है। और प्रश्न क्रमांक 15 का जो उत्तर हो जाएगा, रीनू जी, तुलसी मानस, तुलसी मानस भारती, तुलसी मानस भारती, यानी कि जो आपका चार नंबर है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तुलसी मानस भारती ये मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका का नाम है, ठीक है। और तुलसी सम्मान मनाया जाता है दोस्तों कहाँ पर? चित्रकूट, चित्रकूट। और चित्रकूट में आपने पढ़ा होगा कि चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। दोस्तों आपको पता है कि तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। क्या नाम था? रत्नावली। एक बार क्या हुआ कि रत्नावली मायके में थी और तुलसीदास जी को कहाँ जाना था? रत्नावली से मिलने जाना था। तो तुलसीदास जी क्या पानी गिर रहा था, नदी उफान पर थी। अब तुलसीदास को तो जाना था रत्नावली के पास, तो इन्होंने नदी में एक मुर्दा बहकर जा रहा था, उस मुर्दा को ही नाव बनाया और उस मुर्दे पर बैठ के नदी को पार कर गए। और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि एक सांप लटक रहा था उनके घर में, तो उसको रस्सी समझकर वो कहाँ, रत्नावली के कमरे में भी पहुँच गए। तो रत्नावली ने इनसे कहा था कि जितना प्रेम आप हमसे करते हो, उतना प्रेम अगर आप श्री राम से करोगे तो आपका भाव भाव पार हो जाएगा, आप भाव सागर से तर जाओगे। तो इनको वैराग्य हो गया दोस्तों, वैराग्य हो गया, इसलिए वैराग्य संदीपनी एक रचना है तुलसीदास की, है ना, वैराग्य संदीपनी। तो ये भी आपको याद रखना है। और तुलसीदास जी के बारे में इन्होंने दोस्तों रामचरितमानस लिखी। कौन सी भाषा में लिखी रामचरितमानस? अवधि भाषा में लिखी, है ना। और ये अवधि भाषा का श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है रामचरितमानस में। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं, इनको भी आपको याद रखना है जी। उमा भारती शिल्पी, मगही बोली आती है तो किसके अंतर्गत आती है? हाँ, वेरी गुड। सतना में चित्रकूट समारोह मनाया, चित्रकूट समारोह मनाया जाता है, है ना, चित्रकूट में, सतना चित्रकूट में तुलसी समारोह, याद रखना। और तुलसीदास जी के बारे में, तुलसीदास की मैंने पूरी रचनाएं याद करवाई हैं दोस्तों आपको। मगही बोली आती है तो किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के, बिहारी हिंदी की, राजस्थानी या फिर पश्चिमी हिंदी? मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बिहारी में आता है कौन कौन सा? बिहारी का बंगला, बंगला ओड़ा असमिया में, बिहारी का बंगला ओड़ा असमिया में। तो बिहारी से बंगला भी आती है बिहारी के अंतर्गत, है ना, और बंगला भी आता है और असमिया भी इसके अंतर्गत आ जाती है। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? मगही आती है। मगही, भोजपुरी और बंदेली, जो मतलब मागधी होती है, मागधी, मागधी से निकली है ये, बिहारी का बंगला ओड़ा असमिया, ये बिहारी असमिया और उड़िया, है ना, ये काय से निकली है? मागधी अपभ्रंश से। और बिहारी से मैथिली, भोजपुरी, मगही, ये सभी बिहारी हिंदी से निकली। पूर्वी हिंदी से अब छत्तीसगढ़ी, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, है ना। राजस्थानी हिंदी से मेवाती, मालवी, जयपुरी, ये राजस्थानी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी से निकली हैं बुंदेली, है ना, कौरवी, कन्नौजी, बांगरू, है ना, बांगरू, हरियाणवी को बांगरू कहा जाता है और कौरवी खड़ी बोली को कहा जाता है। ब्रजभाषा भी इसी से निकली, पश्चिमी हिंदी से, ठीक है। निम्न में से विलोम शब्द युग में नहीं है तो कौन सा नहीं है? विलोम शब्द युग में नहीं है बताना है, यानी कि पाताल अंबर, अनित्य नस्वर, क्षणिक, शाश्वत, कड़ा, मृदुल। तो शब्द युग में विलोम कौन सा नहीं है? यहां पर जयपाल जी बताना है हमें। और पाताल अंबर, अनित्य नस्वर, क्षणिक, शाश्वत, कड़ा, मृदुल, ऐसा कौन सा शब्द युग में है जो एक दूसरे के विलोम नहीं है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या हो जाएगा? अनित्य नस्वर, पाताल अंबर, ये तो है, क्षणिक का शाश्वत है, कड़ा का मृदुल है, लेकिन अनित्य का नस्वर, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। ये एक दूसरे के विलोम नहीं है और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुज यादव जी, ठीक है। अगला आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य यानी कि अतिथि को उबालकर पीने,
अतिथि को उबालकर पानी पिलाओ, मेरे को बाजार जाना है, शीला के पास एक ही साड़ी है, या फिर मैंने थैले में सेव निकाला। तो अतिथि को उबालकर पानी पियो, अतिथि को नहीं उबालना है ना, तो ये तो आपका गलत हो जाता है। मेरे को बाजार जाना है, शीला के पास एक ही साड़ी है, अब इन दो में से आपको बताना है, ठीक है, और मैंने थैले में सेव निकाला, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। अब दो दो तो ऑप्शन आपके कट चुके हैं, अब दो में से आपके जो कटे हैं दो आपके पास है, मैंने मेरे को बाजार जाना है, शीला के पास एक ही साड़ी है, दो में से आप चयन करेंगे और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, शीला के पास एक ही साड़ी है, एक ही साड़ी है, यानी तीन नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर बिल्कुल सही बताया अनुज जी और किशन जी, रीनू जी। अगला आपको बताना है शुद्ध वाक्य तो कौन सा है, जा माता, क्षमा, चरमोत्कर्ष, या फिर जो तसना, शुद्ध शब्द कौन सा है, वाक्य नहीं शब्द, शब्द कौन सा है। रामकिशोर जी, आसू जी, गोल्डी जी, प्रश्न क्रमांक 19, शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है, जा माता, क्षमा, चरमोत्कर्ष और ज्योत्सना। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कि उत्तर होगा आपका कौन सा हो जाएगा, जा माता, जा माता, यानी कि आपका जो एक नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है समोच्चारार्थ भिन्नार्थक शब्दयोग में कौन सा नहीं है, चार विकल्प हैं, चार में से आपको चयन करना है। ठीक है, और जो आप सी यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो चरमोत्कर्ष लिखा जाता है वो कैसा लिखा जाता है, चरमोत्कर्ष इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो यहां बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये चरमोत्कर्ष सही होगा, लेकिन चरमोत्कर्ष ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, इसको आप देख लेना, चरमोत्कर्ष कैसा लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है ना। ज्योत्सना ये भी आपका गलत है, क्षमा ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, इसलिए जामाता सही होगा। और नेक्स्ट है समुच्चारार्थ भिन्नार्थक शब्द योग में नहीं है बताना है, तो कौन सा नहीं है, डी बताना है, कौन सा नहीं है, योग, योग है ना, योग, योग, ये तो क्या है, सेम है, ये समुच्चारार्थ भिन्नार्थक नहीं है, तो आपका जो विकल्प नंबर तीन नंबर है, जो सी नंबर है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर है ना, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। और इसी प्रकार से अपनी जो कक्षा है दोस्तों, रोज 8 बजे होती है हिंदी की, ठीक है, तो सभी को हिंदी पढ़ना है, हिंदी है ना, सभी लोग पढ़ेंगे, और हिंदी की क्लास 8 बजे होती है और हिंदी साहित्य की क्लास होती है 9 बजे, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और जेल प्रहरी एग्जाम के लिए सुबह 11 बजे होता है एम पी जी के, ठीक है, तो जेल प्रहरी वाले सुबह 11 बजे MPGK आपको जरूर देखना है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ठीक है, सुबह 11 बजे MPGK, और रात्रि 8 बजे आपका हिंदी हो रहा है। अब दोस्तों मैं सामान्य ज्ञान का भी आपका ओल्ड पेपर लाने वाला हूँ, जेल प्रहरी का, सामान्य ज्ञान का जेल प्रहरी का ओल्ड पेपर, आसू जी, गोंडवाल, फतेह सिंह जी, नंदिनी जाटव जी, जयपाल सिंह जी है ना, कनक राठी जी, कौन कौन अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं, ममता MC, EBS की क्लास होती है, EBS की क्लास कल से 8:30 सुबह 8:30 पर होगी और शाम को 7 बजे होगी है ना, और कौन कौन अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जुड़ना है, 9098609291, ठीक है, ये आपको। और जो अपना क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत ही अच्छा है किशन जी है ना, ATM कार्ड तो होगा आसू गोडवाल जी, ATM कार्ड नहीं है क्या,
अनुज यादव, अंकित तिवारी जी, फर्स्ट टाइम आए हैं अंकित तिवारी जी, वेरी गुड, ग्रुप में जुड़ जाएं। अंकित तिवारी जी अगर जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी से संबंधित हैं। अतुल कुमार जी, जेल प्रहरी के लिए मैंने नंबर दे दिया, अतुल कुमार जी 9098609291, इस पर मैसेज करना तो आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है, 9098609291 इस पर मैसेज करना है और तो आपको ग्रुप की लिंक मिलेगी जेल प्रहरी। और जेल प्रहरी का स्पेशल एक टेलीग्राम ग्रुप बना है, टेलीग्राम ग्रुप जिसमें रोज़ क्या होती है, टेस्ट होती है, रोज टेस्ट होता है टेलीग्राम ग्रुप में आपका जीके का। ठीक है, तो जो भी साथी टेलीग्राम ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर मैसेज करेंगे और मैसेज करेंगे तो आपको लिंक तुरंत मिल जाएगी ग्रुप की। ठीक है, तो ग्रुप से आप जुड़ जाना और वीडियो को लाइक और शेयर आपको अवश्य करना है और आपको जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन है ना, चेक करके देख लो आशु जी, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं चैनल को तो वो ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने प्लान, सिल्वर प्लान आएगा है ना, सिल्वर प्लान जिसमें 59 आपको पे करना है, फिर आपका गोल्ड प्लान आएगा, गोल्ड में 159 आपको पे करनी है, फिर आपका डायमंड प्लान आएगा, जो डायमंड प्लान में 299 जो है क्या करना है, पे करना है। तो ये तीन प्लान हैं, तीन प्लान में से जो भी आपको ज्वाइन में आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अनिल जी, मैथ की क्लास अपने इस चैनल पर नहीं होती है ना, मैथ का कोई मेरे पास टीचर नहीं है और मैथ मुझे आती भी नहीं है। अजय जी, अनिल जी, ठीक है, अनुज यादव जी, तो ग्रुप से जुड़ें 9098609291 और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों आज के वीडियो के लिए। हिंदी साहित्य की क्लास 9 बजे होगी, ठीक है, है ना। कनक राठी जी, देखो अपने यहाँ पर मैं आपको हिंदी की क्लास दिलाऊंगा है ना, हिंदी की पूरा आपका कंप्लीट कोर्स, और जीके का आपका बहुत सारा कोर्स मैंने कंप्लीट करवा दिया है, और भी आपका जीके का मिलेगा, साथ ही आपको विज्ञान का भी पूरा व्यवस्थित टॉपिक वाइज आपके टेस्ट सीरीज करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें कि जो भी साथी ऐसे हैं जो पूरा कंप्लीट कोर्स खरीदना चाहते हैं, जो कंप्लीट कोर्स पाना चाहते हैं कि एक जगह आपको कंप्लीट कोर्स मिले, तो आप परीक्षा ऐप डाउनलोड करेंगे, परीक्षा ऐप डाउनलोड करेंगे वहाँ पर जेल प्रहरी लाइव कोर्स, वीडियो कोर्स जो है आपको पूरा मिल जाएगा और ये पूरा कोर्स आपको 4000 रुपये में मिलेगा, जो कि दोस्तों आपको कोड यूज कर लेना SELFSC40, जिसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये पूरा कोड यानी कि ऑल सब्जेक्ट की तैयारी आपको घर बैठे ही होगी है ना, तो 2400 रुपये में ये पूरा कोड, ये पूरा कोर्स आपका जेल प्रहरी का लाइव कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही अगर टेस्ट सीरीज आप लगाना चाहते हैं जेल प्रहरी का, तो जेल प्रहरी की यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। जैसा आपका पेपर आना है अब आपको पता चल जाएगा, जेल प्रहरी की टेस्ट सीरीज लगाकर आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपका 100 नंबर का पेपर आएगा, कितने कितने नंबर आएंगे, कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, ये चीज़ भी आपको पता चल जाएगी, क्योंकि ये पूरा सेम मॉडल पेपर आप पर आधारित है जेल प्रहरी का। ठीक है, तो ये जेल प्रहरी की टेस्ट सीरीज खरीदने के लिए भी आपको SELFSC40 ये कोड यूज करना, तो इसमें भी आपको 40% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी साथी लगाना चाहते हैं टेस्ट सीरीज वो लगा सकते हैं, जो भी वीडियो कोर्स खरीदना चाहते हैं वो कोर्स खरीद सकते हैं और घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद।